विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये कवि सूरदास द्वारा रचित है और ये विनय भक्ति से संबंधित है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से अपने पापों से उद्धार करने के लिए विनय करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पापों को नष्ट करके और मेरा उद्धार करो। तो देखो, ये जो पद है इस पद को हम एक बार पढ़ते हैं। नरते जन्म पाई कह कीनो, नरते जन्म पाई कह कीनो, उधर भरयो कुकर लो, प्रभु को नाम न लेनो। नरते जन्म पाई कह कीनो, उधर भरयो कुकर लो, प्रभु को नाम न लेनो। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो। झूठो सुख अपनो कर जानो परस प्रिया के भीनो, अगको मेरु बढ़ाई अदंतु अंत भयो बलहीनो। लख चौरासी जोनी भरमी के फिर वाही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिनु जीव अंजलि जल छीनो। तो देखो, ये जो पद है, ये पद आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें विनय भाव दिखाया गया सूरदास का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कि भक्त कवि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त व्यक्ति को स्वयं को लक्ष्य बना करके प्रभु भक्ति करने का ये संदेश दिया है। तो देखो, पहले इसमें कठिन शब्द अर्थ आए हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कीनो शब्द, उधर, कुकर, श्रवणनी, चीनो, परस, भीनो, अग, मेरु, अधम, भरमी, अंजलि जल छीनम, अंजलि जल छीनम। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। तो कीनो शब्द आया है, कीनो का मतलब होता है किया, कीनो का मतलब क्या होता है किया। उधर, उधर का मतलब होता है पेट,
कुकर आप सभी जानते ही हैं, कुत्ते को कुकर बोला जाता है। श्रवणनी जिससे हम सुनते हैं उसको बोलते हैं श्रवणनी, कानों से श्रवण करते हैं सुनते हैं श्रवणनी। चीनों, चीनों को मतलब होता है पहचानना। परस, परस का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना, स्पर्श करना या छूना। भीनो, भीना का मतलब होता है मदमस्त। अघ, अघ माने पाप। मेरु, मेरु का मतलब होता है जो कोई विशाल पर्वत होता है उसे बोलते हैं मेरु। अधम माने पापी। भ्रमी माने जो चक्कर लगाता रहता है, भ्रमण करता रहता है वो होता है भ्रमी, चक्कर लगाना, भ्रमण करना। अंजलि जल छीनो होता है अंजलि के जल के समान छीण होना। अंजलि, अंजलि के जल के समान क्षीण होना, अंजलि के जल के समान क्षीण होना। तो देखो कीनो माने किया, उधर माने पेट, कुकर माने कुत्ते, श्रवणनी कहते हैं कानों से, चीनो माने पहचानना, परस माने स्पर्श, भीनो माने मदमस्त, अघ माने पाप, मेरु माने विशाल पर्वत, अधम माने पापी, भ्रमी माने चक्कर लगाना, अंजलि माने जल छीन, अंजलि जल छीनो कहते हैं अंजलि के जल के समान क्षीण होना। तो देखो बच्चों ये जो पद है इस पद में कुछ कठिन शब्दार्थाएँ हैं जो कि ये ब्रजभाषा से संबंधित हैं। इन शब्दों से मैंने परिचित आपको करा दिया है। तो देखो अब हम इस पद का भावार्थ करते हैं, इस पद का भावार्थ करते हैं। नरते जन्म पाए कह कीनो, उदर भरो को कर लो, प्रभु को नाम ना लेनो। देखो कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तुमने इस लोक में, इस संसार में, मनुष्य योनि में जन्म पाकर के क्या कर लिया है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने इस संसार में मनुष्य योनि में जन्म लेकर के क्या कर लिया है, अर्थात तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया है, कौन सा श्रेष्ठ काम कर लिया है। उधर भरो को कर लो, प्रभु को नाम ना लीनो। तुमने कुत्ते की तरह केवल अपना पेट भरा है, पेट, तुमने कुत्ते की तरह अपना पेट भरा है और प्रभु का नाम कभी नहीं लिया है, कभी प्रभु का तुमने भजन नहीं किया है, प्रभु की भक्ति नहीं की है, केवल कुत्ते की तरह अपना पेट भरा है पर भगवान का भजन बिल्कुल नहीं किया है। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, गुरु गोविंद नहीं चीनो, भाव भक्ति कछु हृदय ना उपजी, मन विषया में दीनो। भाव भक्ति कछु हृदय ना उपजी, मन विषया में दीनो। देखो तुमने अपने कानों से, तुमने अपने कानों से श्रीमद् भागवत गीता की कथा कभी नहीं सुनी, श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है वो कभी नहीं सुनी, और गुरु गोविंद को भी तुमने पहचाना तक नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी और ना गुरु गोविंद को तुमने पहचाना, ना ईश्वर को ही पहचाना है तुमने। तुम्हारे हृदय में भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो,
कवि कहते हैं सूरदास जी कि तुम्हारे जो हृदय, तुम्हारा जो हृदय, उस हृदय में कभी भी कुछ भी भक्ति भाव नहीं जगाया है। तुमने अपने हृदय में भगवान के प्रति कोई भी भक्ति भाव नहीं जगाया, अर्थात तुमने भगवान का कभी भजन नहीं किया, भक्ति भाव को नहीं अपनाया, और अपना जो मन है, मन कहते हैं, अपना जो मन है सांसारिक जो सुख भोग है, अपना मन सांसारिक सुख भोग में, केवल सांसारिक सुख भोग में लगाया है, अपना जो मन है वो केवल तुमने सांसारिक सुख भोग में लगाया है, और तुम विषय वासना में ग्रस्त रहे हैं, तुम केवल विषय वासना में ही ग्रस्त रहे हैं। झूठो सुख अपनो कर जानो, परस प्रिया के भीनो, अग को मेरु बढ़ाई अदम तो, अंत भयो बल हीनो। देखो कवि सूरदास जी कहते हैं कि तुमने क्षण भर के लिए भी एवं झूठे विषय वासना को अपने लिए बहुत ही अच्छा माना, तुमने इस क्षणिक झूठे विषय वासना को अपने लिए हितकारी समझा, और अपनी प्रिया के आलिंगन या काम वासना में तुम मदमस्त होकर के बने रहे, मदमस्त रहे, अपनी प्रिया का आलिंगन बद्ध होकर के तुम मस्त रहे। तुमने पापों का जो बड़ा सा जो एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, तुमने पापों का अग को मेरो बढ़ाई अदम तू अंत भयो बलिनो। कवि कहते हैं कि तुमने पापों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा किया, इतने पाप किए, अनेक पाप किए, और अंत में तुम शक्तिहीन और असमर्थ बन गए। तुम शक्तिहीन और असमर्थ हो गए थे अंत में, इतने पाप करने के बावजूद भी, क्योंकि तुमने तो पाप इसलिए किए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, संसार में मेरा नाम हो जाए, मैं अच्छा सुख प्राप्त करूंगा, परंतु अंत में तुम शक्तिहीन हो गए, असमर्थ हो गए। लख 84 जोनि भरम के फिर वही वही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिन ज्यों अंजलि जल छीनो। देखो कवि सूरदास जी क्या समझाते हैं कि व्यक्ति जीव 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, जो जीव होता है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के भटकता रहता है, फिर भी वह जो सांसारिक, जो संसार के प्रति उसकी आसक्ति बनी हुई है, सांसारिक आसक्ति एवं माया मोह में तुम मन लगाते रहे, सांसारिक आसक्ति एवं माया मोह में तुम मन लगाते रहे, उसके प्रति अत्यधिक लगाव होता रहा तुम्हारा, तब सूरदास जी कहते हैं कि अरे संसारी मानव, हे मनुष्य, हे विषय वासना से ग्रस्त मानव, तुमने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की है, ईश्वर की कभी तुमने भक्ति नहीं की, और भगवत जो भगवान के भजन के बिना, तुम्हें पता है भगवान के भजन के बिना अंजलि में रखे गए जल की तरह तुम नष्ट हो गए। जिस प्रकार अंजलि में पानी भरा जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो चुका है। कवि का कहने का भाव यह कि जैसे अंजलि में रखा जल धीरे धीरे नीचे टपकता रहता है और टपक करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो जीवन है उस जीवन के अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंजलि का पानी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अगर प्रभु की भक्ति नहीं करेगा, ईश्वर में आस्था नहीं रखेगा, तो वह जन्म मरण में, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकता है, और जीव जीवांतर में, जन्म जन्मांतर में भटकता रहेगा।
और ये ब्रजभाषा है, ये साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा इस पद के अंदर, इसमें उपमा रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।